हेलो फ्रेंड्स और हमारे प्रिय छात्रगण, जैसा कि हमारा चैप्टर का नोट्स जारी है और चैप्टर चल रहा है झारखंड के आदिवासी, जो जेपीएससी पीटी पेपर 2 झारखंड सामान्य ज्ञान में आपका सिलेबस में लिखा गया है, उसी संदर्भ में अभी तक 32 जनजातियों में से हमने 17 जनजातियों का जिक्र कर दिया है। उस जिक्र में हमने मुख्य रूप से उस जनजाति के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को समझा है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं छात्रगण, और आज बारी है नोट्स लिखने की। उसमें पहला हेडिंग होगा आज बैगा जनजाति, उसी नोट्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और हेडिंग दीजिए बैगा जनजाति। लिखिए इसमें बैगा झारखंड की एक अल्पसंख्यक और उपेक्षित, मतलब कहीं ना कहीं इसका उपेक्षा हुआ है इस जनजाति का। बैगा जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक और उपेक्षित जनजाति है, जिसका सामान्य अर्थ पुरोहित, पुजारी, जिसका सामान्य अर्थ पुजारी या पुरोहित जिसका सामान्य अर्थ पुरोहित होता है, पुरोहित होता है। और इस जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या पलामू प्रमंडल में है, पलामू प्रमंडल में है। नेक्स्ट पॉइंट, बैगा जनजाति बाघ को सबसे पवित्र पशु मानते हैं। बाघ को सबसे पवित्र पशु मानते हैं, ये हल नहीं जोतते हैं, ये हल नहीं जोतते हैं, नहीं जोतते हैं, तथा इनका मुख्य पेशा वैद, मुख्य पेशा वैद तथा तंत्र मंत्र है, तंत्र मंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका सर्वोच्च देवता बड़ा देव है, बड़ा देव है। बड़ा देव है जिनका निवास साल वृक्ष में माना जाता है, साल वृक्ष में माना जाता है। माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य है, इनका प्रमुख नृत्य कर्मा नृत्य है, कर्मा नृत्य है। पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को सैला, पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य को सैला और महिलाओं के नृत्य को रीना, और महिलाओं के नृत्य को रीना
नृत्य कहा जाता है। सामान्यतः इनका रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। सामान्यतः इनका रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। समान है। ये जंगली पेड़ पौधे औषधि, ये जंगली पेड़ पौधे औषधि, जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बैगा जनजाति जनजाति का पहला त्यौहार का नाम, बैगा जनजाति के पहला त्यौहार का नाम चरेता है। चरेता, चरेता, चरेता है, चरेता है, जो बाल भोज होता है। बाल भोज, बच्चों का भोजन, जो बाल भोज होता है जिसे रसनावा, जिसे रसनावा, जिसे रसनावा रसनावा कहते हैं। अर्थात समान रूप से, अर्थात समान रूप से बैगा का प्रथम वर्ष चरेता है। अर्थात समान रूप से बैगा के, बैगा जनजाति का, अर्थात समान रूप से बैगा जनजाति का वर्ष का प्रथम पर्व चरेता है, जो बच्चों को बाल भोज देकर, जो बच्चों को बाल भोज, मतलब बालकों को भोजन, जो बच्चों को बाल भोज देकर मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गांव के मुखिया को मुकद्दम, गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। मुकद्दम कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए आप लोग छात्रगण, कवर, कवर जनजाति, कवर जनजाति इसमें लिखिए, झारखंड गठन के पश्चात, कवर जनजाति का लिखिए फर्स्ट पॉइंट, झारखंड गठन के पश्चात पश्चात 8 जनवरी 2003 को, 8 जनवरी 2003 को इसे
31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। इसे 31वीं जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। जिसका सबसे अधिक संख्या गुमला एवं सिमडेगा जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है, जिनकी भाषा कवराती, या साद्री, जिनकी भाषा कवराती या साद्री है, और कवर जनजाति कौरव के वंशज माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें या इनमें 7 गोत्र पाए जाते हैं जिसे प्रहलाद सब गोत्र है, जिसे प्रहलाद कह दीजिए आभी आरे गोत्र का नाम है। प्रहलाद आभी आरे जिसे प्रहलाद आभी आरे सुखदेव वशिष्ठ सुखदेव वशिष्ठ विश्वामित्र दंडक पराशर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनके सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं, जो सूर्य का प्रतिरूप है। जबकि पुजारी को, इनके सर्वोच्च देवता को भगवान कहते हैं जो सूर्य का प्रतीक है, जबकि पुजारी को पाहन या बैगा कहते हैं। ये सरना धर्मावलंबी है, सरना धर्म को मानते हैं, ये सरना धर्मावलंबी है, लंबी है। जिनमें क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित है।
बधु मूल्य को सुखदाम, बधु मूल्य को सुखदाम कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। कृषि कार्य है, उसी में इस जनजाति के पंचायत प्रधान को सयांग, इस जनजाति के पंचायत प्रधान को सयान कहते हैं तथा इनकी ग्राम पंचायत का संचालन, तथा इनकी ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल, प्रधान या पटेल करता है, करता है, प्रधान या पटेल करता है। नेक्स्ट, कोल, कोल जनजाति, कोल जनजाति ये है 31वां जनजाति झारखंड की, और यह झारखंड की 32वां जनजाति, जिसे 8 जनवरी 2003 को मान्यता प्रदान की गई। तो छात्रगण, आपका हेडिंग होगा कोल जनजाति, कोल, और इसमें लिखिए झारखंड गठन के पश्चात 8 जनवरी 2003 को, झारखंड गठन के पश्चात 8 जनवरी 2003 को, तीन को बत्तीसवीं जनजाति के रूप में, कोल को बत्तीसवीं जनजाति के रूप में, कोल को मान्यता या अधिसूचित किया गया, कोल को मान्यता या अधिसूचित किया गया, बत्तीसवीं जनजाति के रूप में कोल को अधिसूचित या मान्यता प्रदान किया गया, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से आती है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से आती है, और इनकी भाषा का नाम भी कोल है, और इनकी भाषा का नाम भी कोल ही है, या कोल है, और इनकी भाषा का नाम भी कोल है, जिसका संबंध कोलोरियन, जिसका संबंध कोलोरियन भाषा समूह से है, कोलोरियन भाषा समूह से है, कोलोरियन भाषा समूह से है, जो झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह, झारखंड के देवघर, दुमका, गिरिडीह में मुख्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जनजाति के समाज में गोत्र व्यवस्था का, इस जनजाति के समाज में गोत्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। गोत्र व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है, और गोत्र के प्रथा और नियमों का उल्लंघन,
और गोत्र के प्रथा और नियमों का उल्लंघन करने पर और गोत्र के प्रथा और नियमों का उल्लंघन करने पर समाज से बहिष्कृत किया जाता है, बॉयकॉट, समाज से बहिष्कृत किया जाता है। यह जनजाति 12 गोत्रों में विभाजित है, विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। मांझी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोल जनजाति का मुख्य पेशा लोहा गलाना है। लोहा गलाना है, साथ ही लोहा के उपकरण भी बनाते हैं, साथ ही लोहा के उपकरण भी बनाते हैं। बनाते हैं। यद्यपि वर्तमान में ये कृषि कार्य की ओर तीव्रता से अग्रसर हो रहे हैं, मतलब कृषि कार्य को अपना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समाज का परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय, है। इनका प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, यद्यपि ये सरना धर्म के अनुयायी हैं, परंतु फिर भी ये शंकर भगवान, दुर्गा, काली और बजरंग बली की पूजा भी करते हैं। उसी में देखा जाए तो इस जनजाति पर हिंदू धर्म का खूब प्रभाव दिखता है, नेक्स्ट हेडिंग होगा किसान जनजाति। छात्रगण लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, किसान जनजाति। इसमें लिखिए
यह सदानों की एक जनजाति है, यह सदानों की एक जनजाति है जिन्हें नगेसर या नगेसिया भी कहते हैं, जिन्हें नगेसर, वही नाक से नगेसर, जिन्हें नगेसर या नगेसिया भी कहते हैं। जो स्वयं को नाग वंश का वंशज, जो स्वयं को नाग वंश का वंशज मानते हैं, जो स्वयं को नाग वंश का वंशज मानते हैं। जिनका मुख्य जमाव पलामू प्रमंडल में है, पलामू प्रमंडल में है, जिसका संबंध द्रविड़ समूह से है, जिनका संबंध द्रविड़ समूह से है। यद्यपि भाषा के रूप में, यद्यपि भाषा के रूप में इनका संबंध, यद्यपि भाषा के रूप में इनका संबंध, यद्यपि भाषा के रूप में इनका संबंध मुंडारी, मुंडारी अर्थात ऑस्ट्रो एशियाटिक से है, ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। नेक्स्ट पॉइंट, डाल्टन ने किसान जनजाति को, डाल्टन ने किसान जनजाति को पांडवों का वंशज बतलाया है। पांडवों का वंशज बतलाया है। नेक्स्ट पॉइंट, यह जनजाति दो मुख्य उपजाति में विभाजित है, जिसे सिंदूरिया और तेलिया, जिसे सिंदूरिया और तेलिया कहते हैं, जिसमें सिंदूरिया, जिसमें सिंदूरिया लोगों का विवाह सिंदूर दान से होता है, जिसमें सिंदूरिया लोगों का विवाह सिंदूर दान से होता है, जबकि तेलिया लोगों के विवाह में, जबकि तेलिया लोगों के विवाह में तेल का प्रयोग होता है। होता है। इस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह आयोजित विवाह है, इस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह आयोजित विवाह है। यद्यपि इस जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह आयोजित विवाह है, यद्यपि परीक्षा विवाह, परीक्षा लेकर, यद्यपि परीक्षा विवाह का भी प्रचलन खूब है। कन्या मूल्य या वधू मूल्य को, कन्या मूल्य को डाली, कन्या मूल्य को
डाली के नाम से जाना जाता है, डाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसान जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य, किसान जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य और लकड़ी काटना है। किसान जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि और लकड़ी काटना है। इसे झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति की श्रेणी में रखी गई है, जिसके प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। यद्यपि इनके धार्मिक प्रधान व्यक्ति को बैगा कहते हैं। बैगा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसान जो झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, जनजाति है और इनके बीच उच्च लिंगानुपात मतलब पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक होना, और इनके बीच उच्च लिंगानुपात और इनके बीच उच्च लिंगानुपात उल्लेखनीय है, बहुत बहुत बड़ी बात है, और इनके बीच उच्च लिंगानुपात उल्लेखनीय है। तो छात्रगण, अभी तक हम लोगों ने झारखंड के 32 जनजातियों में से किसान तक अर्थात हमने अभी तक 21 जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक का अवलोकन किया और देखा कि कौन सी जनजाति की क्या विशेषता है। हमने ये भी देखा कि किनकी क्या पेशा है, समाज का स्तर कैसा है, धर्म कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, किसका कौन सा पेशा है अपने जीविकोपार्जन हेतु, किसका कहां पर सकेंद्रन केन है, कौन किसका वंशज मानते हैं, कौन किस जनजाति में कितने गोत्र मिलते हैं, कितने उपजातियां हैं, उस उपजातियों की क्या क्या विशेषताएं होती है। मतलब कहने का ये अर्थ है, अभी हम 32 में से 21 जनजातियों का जिक्र कर चुके हैं, शेष जनजाति को लेकर हम अगले क्लास में फिर हाजिर होंगे, और हाजिर होने के साथ ये भी देखेंगे कि शेष जो जनजाति बची हुई है उसकी कौन सी विशेषताएं सबसे उल्लेखनीय है फॉर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।